से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। नेकों लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ से कई चीजें मेरे से पूछा है, कई डाउट, और मेरे विचार में अनेकों लोगों को मैंने यही उत्तर दिया। आगे चल करके हम प्रकाशना ग्रंथ को थोड़ा सा एक साइड से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मैंने जब बाइबल कोर्स किया था तब ये प्रकाशना ग्रंथ के ऊपर ही दो किताबें मुझे पढ़ने के लिए मिला, और उसे पूर्व में ही एक किताब मेरे पास है, एक बड़ा सा किताब केवल प्रकाशना ग्रंथ के विषय में लिखा हुआ, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है क्या मतलब है। और मेरे पास तीन बाइबल है, उसका अंदर भी कई चीजें इसके विषय में लिखा हुआ। इसका पढ़ाई के साथ मैं कुछ बातें बताकर देना चाहूंगा, कई क्लासेस हो सकता है धीरे धीरे लेते रहूंगा। आप इस प्रकाशना ग्रंथ के क्लास को सीखने के लिए आपके पास जो बाइबल है उसको आपको पढ़ना जरूरी है। उसके इंट्रोडक्शन बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ये सब थोड़ा सा पढ़ करके तैयारी कीजिए और हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे। ये प्रकाशना ग्रंथ कब लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, कौन सी भाषा में लिखा, ये सब और इसके पीछे के क्या इतिहास है, क्यों ये लिखा है, ये सब हम लोग थोड़ा सा आज के क्लास में मनन चिंतन करते हैं। तो प्रकाशना ग्रंथ के विषय में आप लोगों का सवालों का उत्तर इन क्लासों में आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए करीब जो सन 95 के करीब ये प्रकाशना ग्रंथ लिखा है, एडी 95 के करीब। कौन लिखा है? संत योहन ने लिखा। उस समय पर हमें मालूम है संत योहन को पत्मोस नामक घाटी में जो है द्वीप में तड़ी पार किया हुआ था, उनको भगाया था। उससे पहले उन्हें मार डालने का कोशिश किया, वो विफल हुआ था और इसलिए उनके उनको तड़ी पार कर दिया। वहां पर एक इतवार के दिन संत योहन जब प्रार्थना में बैठा हुआ था तब ईश्वर का दर्शन मिला। एक इतवार के दिन प्रार्थना के समय पर उन्हें जो दर्शन मिला और ईश्वर ने आग्रह किया कि उसे लिखने के लिए, और उन्होंने जो लिखा वो आज हमें प्रकाशना ग्रंथ के रूप में 22 अध्यायों में आज हमें मिलता है। ये घटना रोमन सम्राट डोमिशियन के काल में हुआ है। उस समय पर डोमिशियन के द्वारा क्रिस्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, पकड़ पकड़ करके मार डाल रहे थे, और रोमन देश में ईसाई धर्म के खिलाफ वो कार्य कर रहे थे। वहां पर कोई भी क्रिस्तियों को मिल जाता है उन्हें पकड़ने का और मार डालने का आज्ञाएं दी थी। जैसे हमें मालूम है ईसा मसीही कि क्रूस मृत्यु के समय पर क्रूस से कलीसिया का सृष्टि हुआ, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 766, उनके क्रूस निद्रा में उनके बगल से कलीसिया
जैसे आदम की गहरी नींद में से के साथ उनके बगल से हेवा की सृष्टि हुआ, उसी प्रकार कलीसिया का शुरुआत किया। वो कलीसिया जो जन्म होकर के जो गिरा है, इस प्रकार का अत्याचार के बीच में है, क्योंकि हमें मालूम है यहूदी लोग ख्रिस्तियों को एक पाषंडता के जीवन जीने वाले के रूप में मानते थे। ईसा मसीह को क्रूस मृत्यु देने के पीछे का दो कारण है। पहला, वह यीशु निंदा कर रहा है, दूसरा राज्यद्रोह कर रहा है। तो राज्यद्रोह और यीशु निंदा के दंड के रूप में उन्हें क्रूस दंड दिया, और उनके चेले लोग भी इस प्रकार का देशद्रोही और यीशु निंदक है बोल करके, और उनका जो सिखाना जो तरीका जीवन तरीका, ये सब पाषंडता है, पाखंडता है, ये सब यहूदी लोग विश्वास करते थे। और अनेकों यहूदी जो क्रिस्तीय धर्म को अपना रहा था, क्रिस्तीय जीवनचर्या को अपना रहा था, वो देख करके भी जो यहूदी नेताओं को डर भय आया, कलीसिया का सतावट में वो लगे रहा। लेकिन यदि हम लोग इतिहास को देखेंगे, आदिम समय में किसी भी रोमन सम्राट या शासक क्रिस्तियों के खिलाफ कार्य नहीं किया। बाइबल के अंदर हम देखेंगे, विशेषकर प्रेरित चरित्र को देख लीजिए या संत पौलुस का पत्रों को देखिए, कहीं भी हमें रोमन सम्राट हमारे क्रिस्तियों के खिलाफ है करके नहीं मिलेगा। बल्कि बाइबल के अंदर हमें मिलेगा, जैसे ईसा मसीह को क्रूस दंड देने वाले पिलातुस के खिलाफ तक बाइबल में नहीं लिखा, वहां पर पिलातुस ईसा मसीह को कोड़े बरसा करके छोड़ना चाह रहा था, ये लिखा हुआ है। और लोगों का, यहूदी नेताओं का, पुरोहितों का जो दबाव उनके ऊपर आने के कारण, उनके डर से वो क्रूस दंड की सजा सुनाए, ये सब वहां पर लिखा है। इसके बाद हम लोगों को यह मिलता है, एक कॉर्नेलियस नाम के एक शतपथी कैसरिया में था, और उसी प्रकार कई शतपथियों के विषय में ईसा मसीह को क्रूस के नीचे जो दंड देने वाला जो शतपथी था, क्रूस दंड देने वाला जो शतपथी था, वो तक अपना मन परिवर्तन करता हुआ हमें मिलते हैं। और अनेकों शतपथी ईसा मसीह से मिलने के लिए आए, जेरूस आए। इस प्रकार अनेकों यहूदी नेताओं के विषय में और साथ ही साथ रोमन शतपथियों के विषय में भी हमें बाइबल में मिलते हैं, कई लोग मसीह के साथ थे। यीशु क्रिस्त की शिक्षा सही शिक्षा है, वो सचमुच में ईश्वर का पुत्र है, मुक्तिदाता है, ये विश्वास करने वाला। इसलिए शुरुआत में हमें ये नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, रोमन अधिकारी लोग कलीसिया के कहीं अति अगेंस्ट था करके। हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 18 के अंदर, 18 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 18 वाक्य 1 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलता है रोमन जो सम्राट क्लोडियस ने, एडी 50 में है, 50 में क्लोडियस ने क्रिस्तियों को रोम से बाहर निकालता हुआ, क्यों निकाला है, क्योंकि वहां पर यहूदी इनके खिलाफ लड़ाई झगड़ा वहां पर ये सब हुआ, इसलिए यहूदियों के पंचे से बचाने के लिए, वो झगड़ा समाप्त हो इसका उद्देश्य से ही उन लोगों ने वहां से, क्लोडियस ने क्रिस्तियों को रोम से बाहर निकाला था। वो भी दुश्मनी के कारण नहीं या उनके मन में के इसके कारण नहीं है, बल्कि ये यहूदियों के कारण ऐसा हुआ था। और संत पौलुस कई जगहों पर अधिकारियों के अधीन रहने के विषय में लिखते हैं, विशेषकर रोमियों का पत्र दिया है 13 के अंदर हमें मिलेगा, सारे अधिकार ईश्वर से आता है। इसका मतलब भी अपने अधिकारी रोमन जो अधिकारी लोग हैं उनके अधीन रहना ईश्वर के अधीन रहना है, इस प्रकार करके संत पौलुस लिखते हैं और सिखाते हैं।
और टैक्स देने के विषय में जो उन लोगों को जो देना चाहिए उनको जहन को रेस्पेक्ट देना है, रेस्पेक्ट देना है, पैसा देना है, पैसा देना है, ये सब बता कर दे रहा है। संत पौलुस तिमत्ती को लिखते हुए, तिमत्ती का पहला पत्र दिया है 2:1-3 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अनुनय विनय करो, ये लिखा हुआ है। अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना ये सब। और साथ ही साथ हम लोगों को पेत्रुस, संत पेत्रुस भी लिखता हुआ मिलते हैं। पेत्रुस का पहला पत्र 1 Peter 2:13-14 में भी संत पेत्रुस भी ये बोलता है, जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त का फॉलोवर है, क्रिस्ती लोग है, तो हम क्रिस्त के प्रति अपने अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए, ये सब संत पेत्रुस भी सिखाया। तो बाइबल के वो उन भागों में हमें सब रोमन अधिकारियों के अधीन रहना, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें प्यार करना, ये सब लिखा हुआ। लेकिन इसका एकदम विपरीत में यदि प्रकाशना ग्रंथ हम पढ़ते हैं, हमें मिलते हैं एकदम विपरीत में अनेकों बातें लिखा हुआ प्रकाशना ग्रंथ के अंदर। इसका क्या कारण है, इसको सबसे पहला बात है जो समझना है। इसके पीछे का जो इतिहास में यदि हम जाएंगे, 16 जुलाई 64 में उसके अर्धरात्रि के समय पर टाइबर नदी के तट में जितने भी बस्तियां था, चुग्गी जो बस्तियां, वो सब जलना शुरू हुआ था। ऐसा आग फैल गया कि 6 दिनों तक ये आग नहीं बुझा पाया, और ये 6 दिनों में रोमन जो शहर है, नगर है, उस नगर का करीब 75% भाग जल करके राख बन गया था। एक छोटा सा आग टाइबर नदी के उस झुग्गी झोपड़ी में शुरू हुआ, वो रोमन शहर का 75% भागों को जला करके राख बनाया। और उसके पीछे का कारण एक सम्राट, उस समय का सम्राट नीरो ने किया था। ये वो एक पागल आदमी था, अहंकारी व्यक्ति था। नीरो के विषय में मैं कई बातें कई क्लासों में बता चुका है। उस नीरो का एक षड्यंत्र था ये। जैसे ये आग 6 दिन ऐसा तेजी से फैल रहा था शहर को, और बड़े बड़े जो जो आराधना स्थान हो, जैसे रोमन देवताओं का, देवी देवताओं का जो मंदिर था, वो सब के सब जल करके राख हो गया। और जैसे ये आग फैल रहा था, उसी प्रकार इस कब्र भी फैल गया था। ये आग सम्राट नीरो ने करवाया, इसलिए सम्राट नीरो डर गया, भयभीत हो करके उन्होंने एक चाल चला। उस समय पर रोम में अनेकों क्रिस्तीय लोग भी रहते थे। ये एक क्रिस्त विरोधी व्यक्ति था, इसलिए इसके कुबुद्धि के अंदर यही आया। क्रिस्तीय लोग बहुत विनम्र जीवन जीने वाले, धन के लालच नहीं, धन के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पास जो धन है वो भी गरीबों में बांटने वाला, गरीबों की सेवा करने वाले। इनके लोगों के समान मदिरा पीना, लड़ाई झगड़ा करना, पार्टियां मनाना, इसमें वे लोग सम्मिलित नहीं होते थे। इवन देवी देवताओं को अर्पित मांस जो बाजार में मिलता है उसको खरीद करके नहीं खाता था। इस प्रकार एक अलग जीवनचर्या, एक अलग जीवन जीने वाले, दूसरों के लिए जीवन जीने वाले, अपने को विनम्र शून्य कर करके जीने वाले लोग रोमियों के लिए मूर्ख लोग थे। मूर्खता का कार्य कर रहा है, मूर्ख लोग हैं, खुशी नहीं मनाते, आनंद नहीं मना रहा है,
ये सब बोल करके मूर्ख समझते थे। नीरो ने इसका फायदा उठा करके एक प्रचार करवाया, ये आग ख्रिस्तियों ने करवाया, ये आग ख्रिस्तियों का लगाया है, हमारे देवी देवताओं का विनाश कर क्रिस्त धर्म को लाने के लिए, सबों को क्रिस्तीय बनाने के लिए कार्य किया है। हमें मालूम है आज भी हमारे देश में भी ऐसा अनेकों षड्यंत्र चलता है, क्रिस्तियों के ऊपर इस प्रकार बोल करके अत्याचार चलते हैं। उड़ीसा के कंडलमाल में जो हुआ घटना उसको याद कीजिए, कितने लोगों को अपना प्राण अर्पित करना पड़ा, कितने लोगों का घर चला गया, कितने लोग बेसहारा बने गया, किस किस प्रकार वहां पर तांडव मचाया था। जो गरीब, जो क्रिश्चिय लोग, जो इसका कारण तक नहीं जान रहा है, क्यों हमें मार रहा है ये तक नहीं जान रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा था। जिस प्रकार नीरो ने जो कार्य किया उस प्रकार आज भी हमारे देश के नाना जगहों पर, केवल हमारे देश में नहीं अन्य देशों में भी इन बीती 2000 साल से यही चलता आ रहा है। क्रिस्तीय धर्म को, ईसाईयों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए उनके ऊपर तोड़फोड़, क्योंकि ये शैतान का कार्य है। शैतान नहीं चाहता है लोग मसीह में विश्वास करें और एक शांति का, प्रेम का जीवन जिए और इनके आत्मा बज जाए, स्वर्ग राज्य का वो जीवन लोग जिए, ये शैतान नहीं चाहता है। वो अपना दिखाने के लिए, अपना कब्जा बनाए रखने के लिए लोगों को इस प्रकार का कार्य करवाता है। नीरो इसके लिए एक सच्चा उदाहरण बन गया। उस नीरो के उस प्रवृत्ति के कारण रोम नगरी में ऐसा तांडव मचाया, लोग क्रिस्तीय लोगों को पकड़ पकड़ करके मार डालना शुरू किया, सेनाओं के हाथ में देना शुरू किया। और एक प्रचार चलता था जो क्रिस्तीय लोग जो भाग लेते हैं मिस्सा बलिदान में, जो भाग लेते हैं, इसके विषय में एक ऐसा प्रचार चलाया इन लोगों ने, ये क्रिश्चियन लोग जब प्रार्थना के लिए जो रात्रि में घटाव होता है उस समय पर छोटे बच्चों के ऊपर आटा सब लगा करके उनके जो मुख्य पुरोहित है उनका दिल को निकालता है और सब लोग वहां बैठ करके उस बच्चे को खाता है। और जो अज्ञान रोमी निवासी ये विश्वास करते थे और ऐसे लोगों को अपने बीच से खत्म करने के लिए भी इन लोगों ने क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार किया। कुछ समय पहले की बात है, एक बार मैं जबलपुर से बरेली जा रहा था, तब लखनऊ से जो ट्रेन में बैठा बरेली के लिए, उस ट्रेन में जब सफर कर रहा था, पास में बैठने वाले लोग ईसा मसीह के विषय में मेरे से सवाल कर रहे थे। मैं कई चीज़ें, बाइबल का एग्जाम्पल सब बड़े प्यार से अन्य लोगों को समझा रहा था। उस समय पर पढ़े लिखे एक व्यक्ति उस ट्रेन में, उस दिन का जो टीटी जो है, आकर के हम लोगों की चर्चा सुन करके वो भी आकर के बैठ गया। वो बैठते ऐसे एक मूर्खतापूर्ण बातें लोगों को सुनाया। मैंने सुना है कि इनके चर्च में मांस को खिलाता है और लहू को पिलाता है और लोगों को मार डाल करके इस प्रकार मांस और लहू लेते हैं। इस 21वीं 22वीं सदी में भी ऐसा मूर्ख लोग हमारे देश में हैं। ये ऐसे लोगों को जो बिल्कुल उसको पक्की बात है, ऐसा कर करके वो टीटी लोगों को बता करके दे रहा था। फिर इसके बाद मैंने उनको वो पवित्र मिस्सा के विषय में, ईसा मसीह ने क्या कहा था, उसके द्वारा हमें कैसे मुक्ति मिलता है, ये सब उनको फिर मैंने धीरे धीरे समझाया। बरेली तक मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला मसीह के विषय में, बाइबल के विषय में थोड़ा बहुत वहां बैठने वालों को इस प्रकार बता कर देने के लिए। मेरा बोलने का उद्देश्य इसी प्रकार रोम में 2000 साल पहले रोमी लोगों के
जो अंधविश्वास अविश्वास जो रोमन देवता जो मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में भी क्रिश्चियन धर्म के विषय में ऐसे ऐसे झूठे प्रचार करने वाले लोग थे। आज भी हमारे बीच में भी झूठे इस प्रकार प्रचार करने वाले आजकल मीडिया इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब के द्वारा ये सब जो है ऐसे ऐसे गलत बातें क्रिस्तीय धर्म के विपरीत में बोलने वाले बहुत लोग मिलेगा, क्योंकि सैतान नहीं चाहते हैं लोग मसीह में विश्वास करें और विश्वास कर करके उनका मुक्ति हो जाए। क्रिस्तीय धर्म केवल मुक्ति देने के विषय में बता रहा है, शांति और प्रेम का जीवन जीने के लिए बता रहा है, सब धर्मों के साथ प्रेम में रह करके सबों को उस मुक्ति के रास्ता में लेके जाने के लिए, क्योंकि केवल मसीह इस संसार में हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। मसीह में विश्वास करने के कारण उस प्रायश्चित का फल हमें मिलता है, ये बात हमें बताना है, सिखाना है। हमें मालूम है इस कारण नीरो के उस समय नीरो के मृत्यु 68 में हुआ, 68 तक के जो समय पर इस प्रकार का अत्याचार चलता रहा। उस पीरियड में हमें मालूम है संत पेत्रुस का मृत्यु हो या संत पौलुस का मृत्यु हो, ऐसे अनेकों लोगों का जो मृत्यु, शिष्यों का जो मृत्यु है उस पीरियड में हुआ है, क्योंकि वे लोग पकड़ पकड़ कर करके क्रिस्तियों को मार डाल रहे थे। अभी एडी 68 में मैंने एक और क्लास में नीरो के विषय में जब बताया था, उन्होंने खुदकुशी की। इनका ये चाल अधिक दिनों तक नहीं चला, सेना इनके विरुद्ध हो गया, उनके हाथों सेना के हाथों में ना मर जाए इसलिए नीरो ने खुदकुशी किया। 68 में नीरो ने खुदकुशी किया। इसके बाद रोमन आर्मी ही एक एक कर करके चीफ जो आर्मी चीफ है एक एरिया का, क्योंकि रोमन साम्राज्य तो बहुत लंबा साम्राज्य था और साम्राज्य अनेकों ऐसे आर्मी लीडर्स जो होता था और उनमें से एक एक व्यक्ति आकर के सम्राट बनकर के शासन करना का प्रयत्न किया, लेकिन सिविल वार एक प्रकार से हो चुका था उस समय पर। सिविल वार के कारण इन जो आर्मी ऑफिसर्स जो लीडर बन करके जो सम्राट बन करके जो ये जो कुर्सी में बैठते हैं सम्राट के कुर्सी में बैठते हैं, लेकिन ये इस लड़ाई के कारण उनको एक एक को तलवार से उतारना शुरू किया, मारना शुरू किया। इस प्रकार लगातार 3 आर्मी चीफ जो सम्राट बनकर के नीरो के कुर्सी में बैठा उनको तलवार के घाट उतारा। चौथे के रूप में रोमन चीफ वेस्पियन आए। वेस्पियन ने ये सिविल वार को रुकाने में सक्षम बना। वेस्पियन बहुत मेहनत कर सिविल वार को रुकवाया और रोमन साम्राज्य के अंदर शांति लेके आया। वह 10 वर्षों तक सम्राट के रूप में रहा, एडी 69 से लेकर के 79 तक। तब जो सिविल वार है उसको रुकाया और शांति लाया। 10 साल के बाद उनके जो मृत्यु हुआ उनका बेटा टाइटस सम्राट बनकर के कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 79 से 81 तक सम्राट बनकर के रहा। उस समय पर भी कोई सिविल वार नहीं हुआ, शांति के साथ रोमन साम्राज्य चलना शुरू हो गया। क्रिस्तियों का अत्याचार भी थोड़ा सा कम इस प्रकार हुआ, लेकिन 81 में उनके अकाल मृत्यु हुआ, हो सकता है कुछ षड्यंत्र। उनका भाई डोमिशियन सम्राट बनकर के आया। यदि नीरो एक पागल कुत्ता था, ये डोमिशियन उसके विषय में इतिहासकार कहते हैं ये एक पागल शैतान था, चतुर शैतान, उस सर्प का स्वभाव वाला एक शैतान था, स्वयं को ईश्वर
बनाने वाला, स्वयं का मंदिर बनाकर के लोगों से पूजा अर्चना करवाने वाला ये डोमिशियन, इस डोमिशियन के समय पर क्रिस्तियों के ऊपर फिर से अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ने लगे। उस समय पर क्रिस्तियों का मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्रिस्तियों को हिम्मत पहुंचाने के लिए, यीशु क्रिस्त में विश्वास में रहने के लिए, उन्हें बताने के लिए ईश्वर ने संत योहन को दर्शन दिया। ये प्रकाशना ग्रंथ का रचना उस समय पर हुआ। आगे क्लास में इस अत्याचार और इन राजाओं के विषय में हम थोड़ा सा और समझेंगे। तो डोमिशियन के समय ये अत्याचार था, उस समय पर यह प्रकाशना ग्रंथ का रचना का समय है। हम आज इतना ही में क्लास को बंद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ईसा मसीह में विश्वास करने की कृपा हमें मिला। मसीह के कारण जितने भी लोग शहीद हुए अत्याचार सहे, रोमन सम्राटों के द्वारा उनके षड्यंत्रों का कारण जो मरना पड़ा, ऐसे सब शहीदों को याद करें, प्रार्थना करें। हमारे सब ऐसे संत लोगों को प्रभु की कृपा अनुग्रह मिले ताकि हम लोगों के लिए वे मध्यस्थ करें। क्रिस्तीय धर्म ऐसे मृत लोग, जितने भी शहीद लोग अपने रक्त की कीमत पर इस कलीसिया को खड़ा किया, उनके रक्तों द्वारा सींचा हुआ खेती है ये एक क्रिश्चियन समुदाय है। आज भी अनेकों लोग मसीह के कारण रक्त बहा रहा है, अपना धन, अपना शक्ति, अपना सर्वस्व उस मसीह के लिए अर्पित कर सारे संसार को मसीह में लेके आने के लिए मसीह का वो प्यार, शांति और सबसे बढ़कर के आत्मा का जो मुक्ति है उसका कार्य कर रहा है। हम भी निर्णय करें, मसीह के लिए सहन करेंगे इस सिनडल वर्ष में, मसीह के साथ अन्य लोगों के साथ चल करके मसीह के उस मुक्ति कार्य का घोषणा करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु।